ठीक हो ना? चलो आज हम शुरू करेंगे अपनी नई एक कविता, कविता नंबर 6, जिसका नाम है सूरज की छुट्टी। बच्चों यहाँ पे ऐसा होता है, आपको पता है कि हर रोज दिन सूरज उगता है, सुबह दिन होता है, फिर शाम को चांद आता है, रात होती है, फिर दिन होता है, सूरज आता है, चांद रात आती है, ऐसे होता ही रहता है। पर एक दिन सूरज दादा ने क्या सोचा कि छुट्टी ले लो, चलो आज उगना ही नहीं है, दिन पर भी रात रहना, दिन को भी आना ही नहीं है, और चंद्र मामा और सूरज दादा आएंगे नहीं तो क्या रहेगा, रात रहेगी। ऐसा ही कुछ हमारी कविता में है, तो आइए देखते हैं। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल चैन मिलेगा, रहने दो धरती पर रात। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, छुट्टी का दिन था वह भारी, इधर किरण के इंतजार में कोमल कलियां कुंडलाई। यानी कि एक दिवस, दिवस यानी कि दिन, एक दिन सूरज दादा ने क्या सोचा कि मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ, आज मुझे जाना नहीं है, कि क्या मिलेगा, चैन मिलेगा, चैन यानी कि आना, आज मुझे आराम मिलेगा, कि मुझे आज जाना नहीं है, रहने दो धरती पर आज रात, मुझे आज जाना ही नहीं, मैं जाऊंगा नहीं तो दिन तो होने ही वाला नहीं है। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, वो आराम से लेटा रहा, आराम करता रहा, छुट्टी का दिन था उसके लिए। वह इधर किरण के इंतजार में, सूरज की किरणों के इंतजार में कोमल कलिया मुहलाई, यानी कि मुरझाई, कोमल कलिया, सूरज की किरणों के बिना कोमल कलिया भी मुरझा गई, वो भी अच्छे से बाहर नहीं निकल पाई। नहीं बहा मन भावन मारुत, नहीं फूल भी खिल पाए, बिन प्रभात के पुष्प वाटिका, बोलो कैसे मुस्काए। मुर्गा कुकड़ कुक न बोला, न तरु पर चिड़िया चहकी, पुष्प लताएं सुस्त पड़ी थी, तनिक न कोई महकी। यानी कि नहीं बहा मन भावन मारुत, बच्चों मारुत यानी कि हवा, हवा भी अच्छे से नहीं आई, और फिर क्या हुआ, और उसके कारण फूल भी नहीं खिल पाए। बिन प्रभात के पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका यानी कि बाग बगीचे, वो भी कैसे मुस्काए, आप ही बताओ, सूरज के बिना कुछ हो सकता है, कुछ नहीं। मुर्गा कुकड़ को न बोला, न तरु पर चिड़िया चहकी, मुर्गा भी आज कुकड़ को नहीं बोला, तरु और तरु यानी कि पेड़, पेड़ पर चिड़िया भी नहीं चहकी आज। पुष्प लताएं सुस्त पड़ी थी, तनिक न कोई महकी, पुष्प सारे फूल सारी लताएं सारी सब कुछ सुस्त यानी कि बस ऐसे ही पड़े रहे थे, तनिक तनिक यानी कि जरा सा, कोई जरा सा भी महका नहीं। आंख खुली तो जग विस्मित था, देख घना अंधियारे को, आंखें फाड़े देख रहे थे चंदा को हर तारे को, धरती थी सूनी सूनी सी, मचा हुआ था हाहाकार, बिन भौर के तड़प उठा था कुछ पल में सारा संसार। कि आंख खुली, जब लोग रात को सोकर अचानक सबकी आंख खुली, उन्होंने क्या देखा, अभी भी रात है, इतना टाइम बीत गया फिर भी रात है, सब ऐसे विस्मित यानी सब चौंक गए, सब आंखें फाड़े, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, दिन में भी चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं, धरती पूरी की पूरी सुनी सुनी हो गई थी। थोड़ी देर में धरती पर हाहाकार, हाहाकार यानी कि बहुत सब परेशान, सब ऐसे परेशान हो चुके थे, बिन भौर के तड़प उठा था कुछ पल में सारा संसार, भौर यानी कि सुबह, सुबह के बिना सारा संसार तड़प उठा था, पागल सा हो गया था। हाहाकार सुनी सूरज ने अपने मन में पछताया, किरणों के रथ पर चढ़कर वह फौरन फिर बाहर आया, देख उसे धरती नभ दोनों आनंदित हो मुस्काए, सूरज की महिमा के दोनों ने हिल मिल कर गुणगाए। यानी कि सबके हाहाकार सूरज ने सुनी तो क्या होगा, वो मन में पछताने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कि मेरे बिना तो संसार कुछ कर नहीं सकता, तो वो अपनी गलती पर पछतावा उसको हुआ, और फिर तुरंत किरणों के रथ पर बैठकर वो आया, और उसे देखकर धरती नभ आसमान सब कैसे आनंदित हो गए, धरती और नभ मिलकर उसके गुणगान गाने लगे, उसकी महिमा, महिमा यानी यश गौरव, उसके गुणगान गाने लगे। सूरज की तरह हर प्राणी अगर समय पर काम करे, और उचित हो जितना केवल उतना ही आराम करे, तभी सुखी होगी यह धरती, जन्नत सी बन जाएगी,
सब अगर अपना काम करेंगे खुशियाली भी छाएगी। यानी कि हमें भी ये कविता से कुछ सिखा रहे क्या कि सूरज की तरह हर प्राणी हम सब लोग हमें अपना काम समय पर करना चाहिए और उचित हो उतना ही आराम करना चाहिए, बहुत हद से ज्यादा हमें आराम नहीं करना चाहिए, तभी सुखी होगी ये धरती, तभी यहाँ पे खुशहाली आएगी, सुखी होगी ये धरती। कैसे हो जाएगी? जन्नत सी यानी कि स्वर्ग जैसी ये धरती हो जाएगी। पर कब? जब हर प्राणी हर मनुष्य हर सब लोग अपना काम सूरज की तरह समय पर करेंगे। आपने देखा ना कि सूरज एक दिन लेट उठा, वो आया नहीं, तो सब कैसे परेशान हो गए। वैसे भी हमें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। और क्या बोला कि सब अगर अपना काम करेंगे खुशहाली भी छाएगी। सब अपना अपना काम अच्छी तरीके से अच्छे से समय सर करेंगे, टाइम से करेंगे, तो क्या होगा? खुशहाली आ जाएगी। इस कविता की सीख यही है, नहीं कभी आलस करना, निभा सदा जिम्मेदारी को, कष्ट दूसरों के हरना। यानी कि ये कविता हमें कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? कि हमें हमेशा अपना काम अच्छे से करना चाहिए, उस काम करने के लिए आलस नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई आपका एक काम ही है, तो उसमें आपको आलस नहीं करनी चाहिए कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें अपना काम समय से करना चाहिए, तभी क्या होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए, हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के भी कष्ट यानी कुछ दूसरों की परेशानियों भी दूर करनी चाहिए, कभी भी उनकी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो आपको समझ आया ना, आपको भी क्या करना है, अपनी पढ़ाई समय से करनी है और उसमें भी आलस नहीं करनी है। समझ आया ना अच्छे से आपको? तो अभी देखो आपको अपने शब्द पिटारा अपनी नोटबुक में अच्छे ये हैंडराइटिंग से लिखना है। अभी आगे देखते हैं अभ्यास पाठ से। तो श्रुत लेखक एवं उच्चारण अभ्यास वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे मुख से नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, धरती पर हाहाकार मचने का कारण क्या था? चलो बोलो, धरती पर हाहाकार मचने का कारण क्या था? सूरज की छुट्टी के कारण धरती पर हाहाकार, सूरज ने छुट्टी ली थी इसीलिए सब कुछ सुना सुना हो गया था, यही कारण धरती पर हाहाकार मचने का था। सूरज किस कारण छुट्टी लेना चाहता था? सूरज क्या करना चाहता था? थोड़ा टाइम चैन से आराम करना चाहता था, इसीलिए सूरज ने छुट्टी लेना सोचा। किरणों के स्पर्श के बिना कौन कुंभला गई? कौन कुंभला गया था किरणों के स्पर्श के बिना? किरणों के स्पर्श के बिना कोमल कलियां कुंभला गई थी। धरती और नभ किसे देखकर आनंदित हो उठे? तो धरती और नभ सूरज की किरणों को देखकर आनंदित हो उठे। अभी लेखनी से कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में, ये आपका होमवर्क है। आगे सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाइए, ये भी आपको खुद से करना है, बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है नोटबुक और टेक्स्ट बुक में। अभी आगे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यह संसार क्या देखकर हैरान हो गया था? तो क्या देखकर हैरान हो गया था? कि सुबह में भी अंधेरा देखकर यह संसार हैरान हो गया था। दूसरा, सूरज के न निकलने का कोमल कलियों पर क्या असर हुआ? सूरज जब नहीं निकला तो कोमल कलिया का उस पर क्या असर हुआ? तो सूरज के न निकलने पर कोमल कलिया मुरझा गई, कुमला गई, यह असर उस पर हुआ। धरती पर हाहाकार मचा देखकर सूरज ने क्या किया? तो धरती पर हाहाकार जब मचा उसने देखा, सूरज ने क्या किया? उसके मन में वो बहुत पछताया और तुरंत अपने किरणों के रथ के साथ आ गया। सूरज से हर प्राणी को क्या सीख लेनी चाहिए? तो सूरज से हर प्राणी को यही सीख लेनी चाहिए कि उसे अपना काम समय से और हमेशा बिना आलस के करना चाहिए। बच्चों ये भी क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में
दीजिए। तो पहला, सूरज की छोटी सी छुट्टी के कारण धरती पर कौन कौन से कार्य नहीं हुए थे? चलो कौन कौन से कार्य नहीं हुए थे? कोमल कलियां मुरझा गई, पवन अच्छे से आया नहीं, सारी चिड़िया चहकी नहीं, कुकड़ू कुकड़ू को ऐसा मुर्गा बोला नहीं, फिर क्या हुआ था? सब हैरान परेशान हो गए थे, सारी लताएं फूल सारे मुरझा उठे थे, ये सब हुआ था। सूरज यदि पूरे दिन की छुट्टी मना लेता तो ये संसार का क्या हाल होता? तो क्या होता? लोग अपना काम शुरू नहीं कर पाते, सब ऐसे हैरान परेशान हो जाते, अंधेरा अंधेरे के कारण कोई भी कुछ भी काम करने के लिए बाहर नहीं निकल पाता और सब ऐसे हैरान हो जाते थे, फूल नहीं खिल पाते, ऐसा सब कुछ। यह धरती जन्नत के समान कब बन जाएगी? तो यह धरती जन्नत के समान कब बनेगी? जब हर मनुष्य सब लोग अपना काम समय से करेंगे और बिना आलस के करेंगे, तभी ये धरती जन्नत बन जाएगी। इस कविता से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको खुद से सोचना है, लिखना तो आपको आंसर मिल जाएगा, पर आपको ये खुद से सोचना है कि यह कविता में से हमने क्या क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको लिखना है। चलो अभी आगे, भाषा और व्याकरण। तो भाषा व्याकरण में क्या है? चित्र देखकर उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची में पहला क्या है, किसका चित्र है पहला? सूर्य का। तो बताओ सूरज का पर्यायवाची क्या होता है, पता है आपको? तो क्या होता है पहला सूरज का? तो भास्कर और रवि, उसके तो बहुत सारे होते हैं, भानु, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची, इनमें से कोई भी दो नाम आपको लिखने हैं। फिर सामने लिखिए क्या है, चंदा मामा, तो उसका क्या है? मयंक और चंद्रमा। फिर क्या है, आंखें, तो उसका क्या है? नयन और लोचन, नेत्र भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, पेड़, तो उसका क्या होगा? वृक्ष और वृक्ष, तरु भी हो सकता है। फिर आगे पाठ में आए नाम वाले यानी संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए, यानी कि आपको वस्तुओं और प्राणियों के नाम भी लिखने हैं और भावों के नाम भी लिखने हैं। तो अभी ये भी लिखते हैं, ये समझ आया ना आपको? अभी ये पहले वस्तु व प्राणियों के नाम देखो। तो पहला क्या है, सूरज नाम था ना, तो सूरज, फिर धरती, फिर कलिया, तीन नाम आपको लिखने जो आ गए, ठीक है। फिर क्या है, भाव, भाव यानी कि फीलिंग्स के नाम लिखने, तो वो कौन से, चलो देखते हैं। भावों के नाम, तो देखो हाहाकार, हाहाकार यानी कि परेशान होना, फिर चहकना यानी कि खुश होना, चहकना, फिर मुस्काए, मुस्काना, फिर कुमलाए,
ठीक है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक नोटबुक में ये भी सब कुछ लिखना है। आप वो जो पहला प्रश्न था उसमें आपको चित्र दोनों आप इसे ड्रॉ कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना चलेगा, सिर्फ नाम लिखना है। अभी आगे कविता, एक दुकान शब्दों से रिक्त स्थान भरकर कविता पूरी कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं तो चलो अभी वो करते हैं। आपको ये समझ आ गया ना? अभी आगे आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए तो उसे आपको कविता पूर्ण करनी है। तो पहले क्या है, चींटी श्रम का पाठ पढ़ाती। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, ऐसे कलर लिखा है ना, क्या लिखा है, चींटी श्रम का पाठ। फिर ब्लैंक में क्या आएगा, पढ़ाती। फिर क्या है, दूसरा क्या है, मधुमक्खी भी यही कहना सिखलाती। ठीक है, फिर क्या आया, दाना चुगने जाती चिड़िया, चहक चहक श्रम गीत सुनाती। ठीक है, फिर बिना रुके जी धरती घूमे। नित्य चलते रहना कहना बताती। फिर है आलस से तू थम जाओगे, यह कविता तुमको कहेगा बदलाती। ठीक है, ये आपको कविता अपनी ऐसे नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये चैप्टर एक हमारी कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।